जिस वक्त पूरी कौम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उनको आग में डाला गया, फिर उनको जलावतन किया गया, तो सिर्फ एक और अल्लाह का नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम आपकी गवाही देने लगा। और फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो आपके साथ आपके भतीजे अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हिजरत करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारिख यानी आजिर के बेटे थे। आपके वालिद का आपके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, तभी आप अपने चचा इब्राहिम और दादा आजिर के साथ रहते थे। जब अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से फलस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे तो आपने अपने भतीजे लूत को सदोम बस्ती की तरफ भेज दिया और ये फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी लूत, उस कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ, उनमें बदकारी और बेहयाई आम हो चुकी है, उनकी इसलाह के लिए जाओ और वहाँ रहना शुरू कर दो। तो यूं हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदोम बस्ती की तरफ रवाना हो गए। ये बहरे मुर्दार के पास एक बस्ती थी, तिजारत का मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह। वो कौम काफिर कौम थी, वो नए नए गुनाह के तरीके इजाद करते और फख्र से उस पे अमल करते थे। उस कौम में ऐसे बदतरीन गुनाह मौजूद थे जो उनसे पहले इस जमीन पे किसी ने अंजाम नहीं दिए थे। अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के दरमियान आके फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, तुम ऐसी बेहयाई का इर्तकाब करते हो जो तुमसे पहले इस जहान में किसी ने न की। अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हाजत पूरी करते हो। अगर तुम गुनाहों से बाज नहीं आए तो अनकरीब तुम पे अजाब बरसेगा। वो पूरी कौम हंसती रही कि ये दीवाना कहाँ से आया है, हम किसी अजाब को नहीं मानते, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो दिखाओ क्या अजाब आता है। वहाँ लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा सबके सब गिलाजत में डूबे हुए थे और अल्लाह के पैगाम का मजाक उड़ा रहे थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से बाहर निकालने का फैसला किया। अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, ये कौम हिदायत पाने वालों में से नहीं बल्कि तेरी हिदायत का मजाक उड़ाने वालों में से है। ऐ अल्लाह, जब भी कोई नौजवान इस बस्ती में आता है तो यहाँ के लोग उसको हवस की निगाह से देखते हैं, उससे अपनी हाजत पूरी करते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इतने में अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते भेजे जो नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। वो जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम घबराने लगे कि यहाँ के लोग इनके साथ भी वो सलूक न करें जो इनसे पहले लड़कों के साथ करते थे। वो फरिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, घबराओ नहीं, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। और जिब्रील अमीन फरमाने लगे, ऐ लूत, अपने घर वालों को लेके इस बस्ती से चला जा, क्योंकि सुबह यहाँ पे अल्लाह का अजाब आएगा। और इस बस्ती से जाने के बाद पीछे मुड़ के न देखना, हम तेरे पूरे घर को अल्लाह की पनाह में रखेंगे, बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी बीवी के, क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से होगी। अफसोस, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब उन लड़कों को देखा तो उस बस्ती के लोगों से कहने लगी कि हमारे घर कुछ खूबसूरत नौजवान आए हैं, क्या तुमने उनको नहीं देखा, उनका हुस्न ऐसा है जैसा तुम लोगों ने पहले कभी नहीं पाया होगा। इतने में बस्ती के कुछ लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचते हैं। हजरत जिब्रील अमीन उनको ऐसी ज़र्ब लगाते हैं कि वो तमाम के तमाम ऊंधे हो गए। वो सब वापस जाने लगे और जोर जोर से धमकियां देने लगे कि ऐ लूत, हम तुमसे कल निपट लेंगे। तो बस जैसे ही लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ उस बस्ती से बाहर निकलते हैं तो जिब्रील अमीन उस बस्ती को खेड़ कर आसमानों की तरफ बुलंद करता है और फिर जमीन की तरफ दे मारता है और आसमानों से अल्लाह का अजाब बरसने लगता है। आसमानों से पत्थर और आग ऐसे बरसती है कि वो एक एक इंसान चीख उठता है। उनकी चीखें और आवाज जब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने सुनी जो उनके साथ चल रही थी तो वो बार बार उस बस्ती को मुड़ मुड़ के देख रही थी। इतने में आसमान से एक पत्थर आया, हजरत लूत की बीवी को लगा और वो भी उस कौम के लोगों में शामिल होकर फिन्नार हो गई। आज भी हजरत लूत की कौम पर अजाब के निशानात
जमीन पर मौजूद हैं ताकि इंसान गौर व फिक्र करे। बेशक अल्लाह जो चाहे वो हो के रहता है। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज ने फरमाया कि पत्थर इंसान के दिमाग पे असर करता है और ज़मर्द अल्लाह की तरफ से एक ऐसा अजीम तोहफा है जो इंसान के वजूद में तख्लीक की सिफत पैदा करता है, क्योंकि इसका रंग फैज और कुदरत की अनमोल देन है। इस पत्थर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सुस्ती खत्म करके इंसान के अंदर मेहनत, लगन और इंसान को क्रिएटिव बनाता है। अगर आप ये ज़मर्द पत्थर लेना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टोन्स के नंबर पर कॉल करें और ये पत्थर हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पर मौजूद है उनसे भी ये ज़मर्द पत्थर हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे।